हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरआरबी जेई की एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म के भरने का जो पूरा सिलसिला है वो चल रहा है। आप लोग भी फॉर्म भर चुके होंगे, लेकिन आराम से तसल्ली से फॉर्म को फिल करना। एक तो बहुत सालों बाद ये आया है, उसके बाद भी अगर आराम से उसको फिल नहीं करेंगे तो दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें उस फॉर्म को फिल करने के लिए होनी चाहिए, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें तो SSC CBT 2 के अभी एग्जाम होने वाला है, कभी भी रिजल्ट आ जाएगा और आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो जो पूरे जेई लेवल के, एई लेवल के, ESC के, PYQ का हमारा पूरा सीरीज चल रहा है, अगर आपने वो नहीं देखे तो अच्छे क्वेश्चन आपसे छूटने जाना चाहिए, जरूर जाके देख लीजिएगा। पर अभी हम बात करते हैं RRBJEE की। तो RRBJEE का लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट जोन में कितनी सारी वैकेंसी निकली है उन्हें हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिएगा उसे भी। तो डिफरेंट जोन्स, अब जैसे सबको ही वो जोन्स पता है तो अब सब जाके अपने फॉर्म्स फिल करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें हाई कट ऑफ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करना है, क्योंकि कहीं भी अब इतनी ज़्यादा फ्लडेड इन्फॉर्मेशन है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि मुंबई जाके मुंबई में बहुत वैकेंसी आई है, मुंबई में मुझे फिल करना है क्योंकि वहाँ तो कम लोग आएंगे, या फिर मुझे सिकंदराबाद फिल करना है। अगर नंबर बच्चा चाह लेगा, बच्चे को वैकेंसी और जो सीट है वो उसके लिए मैटर करता है कि ट्रैवल एक्सपेंस कितना लग रहा है, वो उतना उसको थर्ड नंबर पे वो प्रायोरिटी में रखेगा, या मे बी प्रायोरिटी में बहुत बच्चे नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा हाँ कट ऑफ के लिए ही प्रिपेयर करना है। पर अब हम अगर बात करें तो 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक आपको पता ही है कि जो फॉर्म फिल होने की डेट है इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो 29 अगस्त से पहले ही आप फिल कर लीजिएगा, लेकिन जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जितने भी इन्फॉर्मेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है उसको देख के करिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 30 अगस्त 31 अगस्त के बाद आपको 8 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पर ऐसी नौबत ही ना आए कि मॉडिफाई करना पड़े, तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप उसको। तो अगर मॉडिफाई करने की बात करें तो आपको 250 रुपये मॉडिफिकेशन में लगेंगे। तो आप देख लीजिएगा, कुछ ही चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आप अगर बात करें तो आप इन्फॉर्मेशन जब भी फिल करें तो बिल्कुल सही तरीके से फिल करिएगा। नाम, फादर्स मदर्स नेम जो है, ये तो 10th के जो सर्टिफिकेट पे जो भी आपका है वो उसके हिसाब से फिल करिएगा। किसी के नाम चेंज हुए होंगे या किसी ने नाम चेंज कराया होगा, तो पूरा जो प्रोसीजर होता है कि आपको अपना न्यूज़ आर्टिकल में देना पड़ता है, और एफ आई आर न्यूज़ आर्टिकल में दिखाना पड़ता है। तो कुछ जो भी हमारी हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना, अगर आपने नाम चेंज कराया है तो उसके हिसाब से फिल करिएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक EWS SC ST सर्टिफिकेट्स, तो अगर सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो SC ST वाले लोगों को तो शायद सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है, लेकिन अगर EWS की बात करते, EWS अगर 2019 में बात कर तो आया था, जिसमें 10% आरक्षण मिलता है इनकम के बेसिस पे। तो अगर हम बात करते हैं तो क्राइटेरिया सबको समझ लेना, ये नहीं कि झूठा बना लिया। हाँ, बहुत लोगों की बहुत पहुंच होती है, ये सब जानते हैं और झूठा बनवा लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के रिप्रकशंस के लिए आप फिर रेडी रहिएगा। तो अगर हम बात करें इनकम जो है, इनकम वो है अगर 8 लाख से कम, फैमिली इनकम की बात हो रही है यहाँ पर, जो इनकम है ये फैमिली इनकम की बात हो रही है, अगर वो 8 लाख से कम है तो, और अगर आपके पास जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इनकम जो आपकी फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। जो आपके पास आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वहीं पर हम बात करते हैं तो जो आपका शहर, जो आपका सिटी है, अगर सिटी में आपके पास 100 वर्ग गज से ज़्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए, अगर वहीं पे जो शहर के एरिया नहीं है वहाँ पे 200 वर्ग गज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सिटी में 100 लिखा है, और जो अगर बिना शहर के एरिया है, जो कम, जो शहर में नहीं आते, इंक्लूड नहीं किए जाते, जैसे विलेजेस टाइप में हो गया, वहाँ पर 200 वर्ग गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके पास जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का फ्लैट, या फिर आपका जो भी घर बंगला जो भी है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये अगर क्राइटेरिया में आपके पास आ रहा है तो बिल्कुल आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर EWS सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। जो कुछ सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं उसकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से चलता है सर्टिफिकेट। तो अगर हम उसकी बात करें, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर कैसे शुरू होगा, जो आपका 31 मार्च को खत्म होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इस तरीके की साइकिल चलती है। तो अब अगर हम बात करें, अभी तो इस ईयर ये चल ही रहा है, तो इससे लास्ट ईयर वाला, तो 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं राशन कार्ड या फिर BPL कार्ड जो होता है, या और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और
आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए, तो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी के पेपर्स ये सब होना चाहिए। और आपको एक नॉमिनल फी लेके जाना है, जिससे आप कहाँ पर जाके जो तहसील होता है वहाँ पर आपके पर्टिकुलर जगह का जहाँ भी तहसील है वहाँ पर जाके आपका EWS का सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो सर्टिफिकेट जो है वो आपका बेसिकली कब का होना चाहिए, जो एग्जाम डेट है उससे पहले का होना चाहिए। तो आप वहाँ पर वो एक नंबर देते हैं, वो लोग आप उनसे वो नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको तो अपलोड करना नहीं है। सर्टिफिकेट SC ST वाले जो उन कैटेगरी में लाए करते हैं उनको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो ये आप इस तरीके से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम की, तो CBT 1 में आपको देखने को मिलेगा कि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और GS। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका CBT 2 में भी पूछा जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री भी CBT 2 में पूछी जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि आपको CBT 2 के लिए भी ज़्यादा प्रिपेयर ना करना पड़े, आप टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस कर पाए। वहाँ पे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा तब के तब देखी जाएगी और एनवायरनमेंट भी देखा जाएगा। लेकिन वहीं पे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, और आपको ये देखना है कि ये पूरा जो पेपर हो रहा है आपका ये 90 मिनट में हो रहा है, तो टाइम पे भी आपको बहुत फोकस करना है। तो जनरल अवेयरनेस जैसा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, तो जैसे कि करंट अफेयर से रिलेट करके चलना है। अगर करंट अफेयर में कौन से जो आर्टिकल हमारे हैं अभी काम के उसको रिलेट करके आपको चलना है अपने पॉलिटी से। हिस्ट्री में भी बात करें तो जिस तरीके से जो भी न्यूज़ हमारी, जो भी हिस्ट्री की एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, जिसमें भी मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और जियोग्राफी हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स हो गए जैसे रेपो रेट हो गया, हमारा कैश फ्लो हो गया, ये सब जो बेसिक टर्म्स होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस हो गया। साइंस में बात करें तो साइंस के स्टूडेंट बैकग्राउंड जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। PCB पूछा जाएगा, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी। इनफैक्ट एक गुड न्यूज़ ये है कि हम साइंस के PYQ को भी लेके आने वाले हैं, तो टॉपिक करेंगे जैसे सेल पढ़ा और फिर सेल पे जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, RRB NTPC में, जो हमारे SSC में, या फिर हमारे कोई भी एग्जाम में जिसमें भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो आप लोगों ने SSC JEE अभी एग्जाम CBT 1 निकला था उसके लिए भी रीजनिंग प्रिपेयर की होगी, तो इतना ज़्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस एक दो मॉक टेस्ट दे रहना है। मैथ्स के लिए एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और इनके लिए जो ट्रिक्स होती हैं वो बेसिकली अब एग्जाम में क्या होता है, लोग सोचते हैं अभी ट्रिक पढ़ लिया, अभी पढ़ लेने से याद हो जाता है, लेकिन आप उसका एक बेसिक मेथड भी समझिएगा और ट्रिक वाला मेथड भी समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब पहुंचते हैं तो वहां पर माइंड में हमारा ट्रिक एट अ टाइम क्लिक कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बेसिक मेथड भी आना चाहिए कि कभी अटक गए तो वो आराम से कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखी जाएगी 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग भी देखी जाएगी आपको 1/3 की, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंटेन करता है। तो ये CBT 1 का है, आपको इसके अच्छे से तैयारी करनी है, फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है, बहुत टाइम बाद आया तो बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, कोई मिस्टेक ना हो, कोशिश करिएगा कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मॉडिफाई करने पे आपको भी फी देनी पड़ेगी और हर चीज़ मॉडिफाई नहीं हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी होगी। कोई और भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी कि सेफ जोन पे हमने जो डिस्कस किया उसको जरूर देख लीजिएगा, और इसमें हम और डिस्क्राइब कर सके कि और पिछले बार में किस किस तरीके से सब टॉपिक्स पे किस तरीके से पूछा गया था, अगर उसको भी और अच्छे से डिस्क्राइब करना तो जरूर कमेंट सेक्शन में सब टॉपिक लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।